जय हिंद दोस्तों की हाल चाल है दोस्तों आपके लेके आ गए हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आज हम बात करने वाले इंडियन नेवी एम की यदि आप इंडियन नेवी एम ज्वाइन करना चाहते हैं एम में जाना चाहते हैं तो आप सभी की एम की भर्ती में पढ़ाई उम्र और लंबाई कितना होना चाहिए सभी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो भाइयों आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना शेयर कर देना यदि आप चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मेरा नाम राम है आप देखें स्टडी चली वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट गाइस आप में से काफ़ी बच्चों का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि सर एम में जाने के लिए हमारा पढ़ाई उम्र और लंबाई कितना होना चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए तो आप सभी की डिमांड पर वीडियो आ चुका है दोस्तों सभी बातें करेंगे प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखना आप सभी पहले बात कर लेते हैं हम आप सभी का पढ़ाई कितना होना चाहिए यदि आप इंडियन नेवी एम में जाने की सोच रहे हो एम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी का पढ़ाई कितना होना चाहिए आपको बता दें आप सभी का दसवीं पास होना चाहिए जी हाँ दोस्तों, दोस्तों यदि आप एम में जाना चाहते हैं तो आप सभी का टेंथ पास आप सभी का होना चाहिए कंप्लीट वही बच्चे दोस्तों एम में आवेदन कर सकते हैं जिनका दसवीं पास है और आपको परसेंटेज बता दें एम में जाने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए आप सभी का दसवीं क्लास में बस आप दसवीं क्लास में पास होने चाहिए क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसी वीडियो बननी है कि एम में जाने के लिए आप सभी का साठ परसेंट होना चाहिए पचास परसेंट होना चाहिए ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बस आपका टेंथ पास कंप्लीट होना चाहिए मात्र किसी भी राज्य के हो आपसे भी किसी बोर्ड से आपसे भी ने दसवीं पास किया हो आप सभी का चल जाएगा बस आप सभी दसवीं पास होने चाहिए दोस्तों ये तो होगी पढ़ाई की बात आगे बात कर लेते हैं हम आप सभी की उम्र की बात दोस्तों एम में जाने के लिए आप सभी का उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात है प्लीज वीडियो ध्यान से देखें आप एम में जाना चाहते हैं तो आप सभी का सत्रह से बीस साल के बीच तो आप सभी का एज होना चाहिए आप सभी देख लीजिए यदि आप इंडियन नेवी एम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी का सत्रह से बीस साल के बीच तो आप सभी का एज होना चाहिए यदि इसके बीच आप सभी का एज है तो आप सभी नेवी एम में आवेदन कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों अप्लाई कर, तो कर सकते हैं तो आप सभी का सत्रह से बीस साल के बीच एज होना चाहिए यदि आपका एज है इतना तो आप सभी एम में आवेदन कर सकते हैं अब आगे बात कर लेते हैं हम आप सभी की हाइट के बारे में दोस्तों हाइट कितना चाहिए दोस्तों नेवी एम में ने जाने के लिए एक सत्तावन सेंटीमीटर आप सभी का नेवी एम में ज्वाइन करने के लिए आवेदन करने के लिए दोस्तों मिनिमम हाइट है, है एक सत्तावन सेंटीमीटर होना चाहिए आप सभी का यदि एक सत्तावन सेंटीमीटर आप सभी से का हाइट है तो आप सभी एम में जा सकते हैं दोस्तों ये मिनिमम है इंडियन नेवी में चाहे आप डबल ए और एस में आवेदन करें या एम में तीनों के लिए दोस्तों सेम है एक सत्तावन सेंटीमीटर आप सभी से का हाइट होना चाहिए और दोस्तों इंडियन नेवी एम में रनिंग होती है सोलह सौ मीटर और टाइम कितना मिलता है सात मिनट तो आप सभी आराम से कर लोगे रनिंग दोस्तों बहुत ही ईजी होता है इसमें वन किलोमीटर दोस्तों सात मिनट में कम्प्लीट करना होता है तो आप सभी आराम से कर लोगे एक और जरूरी बात दोस्तों ये ऑल इंडिया वैकेंसी आती हैं आप सभी किसी भी राज्य के हों यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र किसी भी राज्य के हों आप अप्लाई कर सकते हैं तो हमने आपको सभी जानकारी आज इस वीडियो में दे दिया है फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो, वीडियो लाइक कर दो आप सभी और इस वीडियो शेयर कर देना आप सभी की डिमांड पर वीडियो लेके आ चुके हैं दोस्तों वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना आप सभी और आपको बता दें हम टेलीग्राम पर आ गए यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कराया तो उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया आप जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर हम आपको जानकारी देते रहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ तब तक आपसे तैयारी करते रहना दोस्तों जाते जाते दो शब्द कहना चाहते हैं आपसे सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है जय हिंद